global advertiser for innovative outdoor solutions. इधर आया सुंदर खान आ जा वो चेरी चेरी बड़ी भाई इतनी चेरी के पूरे बॉम्बे को सप्लाई कर सकता हूँ मैं बस थोड़ा दिमाग तेज रखो अपना क्या क्या शेंक इधर हाँ हमें मेरे मुझे इसको ही देखना मैं बाकी इधर कुछ नहीं करना भाई विद ऑल द लिखना ऑल द टैलेंटेड सिंगर नहीं इधर ही आया सामने आ यहाँ और जरूरी एक जगह टिके रहो ऐसे ऐसे घुमाते रहो ये मेरे पे भेजे तू अदरा सबसे ज्यादा समझदार तू ही बस यहाँ बिल्कुल सर हम तो आपके लिए रेडी बैठे हैं इतने प्यार से देखो हम बैठे हैं आप सभी रेडी रोल करें ऑन कर ले बेटा पहले पहले हमारा मेन कैमरा इधर इधर आ जा इधर आ जा यहाँ पे आ जा ये वो है ना अच्छा वो है ये ठीक है सब जगह घूम जाना है विजय फोन काट देना किसी का भी आए तो चलो मीका पाजी राहुल जी एंड गुरदीप जी एंड लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड सर आप साहिल साहिल जी सभी को सबसे पहले कांग्रेचुलेशन एंड 2018 के आप लोगों के अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए पाजी क्या कहना चाहेंगे आज मैं सबसे पहले तो आप सभी पूरे मीडिया का मैं थैंक्स करना चाहूंगा और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मुझे और मेरे जितने भी प्यारे प्यारे आर्टिस्ट हैं आप इनको सपोर्ट करें मुझे तो आपने ऑलरेडी बहुत प्यार दे के इतना बड़ा स्टार बना दिया है और आपका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ बट जो हमारे न्यू कमर्स हैं नॉट लाइक राहुल वैद्य ना राहुल वैद्य इज़ नॉट न्यू कमर ये ऑलरेडी हमारा पॉपुलर लड़का है एंड गुरदीप इज़ ऑलरेडी इस्टेब्लिश बट और सुरेंद्र खान जी हैं फ्रॉम चंडीगढ़ जो कि बहुत अच्छे गज़ल गाते हैं एंड देयर इज़ यश तारिका अकीरा तारिका कीर्ति ऐसे हेलो साहिल ऑलरेडी दी वॉइस में टॉप 5 में था सो मेरा सोच है कि मैं इन सभी को आगे लेके आऊँ एंड उसके लिए आप सभी की मुझे बहुत ज़रूरत है और जो भी मेरे फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड से मेरे फैंस आपकी भी बहुत ज़रूरत है जी राहुल जी आप कुछ कहना चाहेंगे ओल्ड इज गोल्ड आप मानते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड ही होता है हमेशा मैं बिल्कुल सबसे पहली बात तो मैं म्यूज़िक इन साउंड जो मीका जी का म्यूज़िक लेबल है उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा थैंक यू सर एंड ये कहना चाहता हूँ कि बहुत कम सिंगर्स होते हैं जो खुद एस्टेब्लिश होने के बाद ये सोचते हैं कि अब मैं आने वाली जनरेशन के लिए क्या कर सकता हूँ तो सबसे पहली बात तो इन्होंने सोचा उसके बाद उसको प्लान को एक्शन में लाया एंड जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारे वीडियोस उसके ऊपर लॉन्च हुए हैं मैंने उस ओल्ड इज़ गोल्ड जो एक स्पेशल प्रोग्राम होता है उसके लिए मैंने चौदहवीं का चांद ये गाना गाया था एंड आप जानते हैं इट्स अ ओल्ड क्लासिक एंड पुराने गाने ऐसे होते हैं कि मतलब वो आप कितनी भी दफ़ा सुनो कभी बोर नहीं होते हो आप जैसे नए गाने जो होते हैं जो या थोड़े से जो पुराने होते हैं आप उनको रेगुलरली नहीं सुन सकते लेकिन चौदहवीं का चांद आई थिंक 40-50 साल पुराना गाना है जिसको हम आज भी सुनते हैं सो उसको हमने रिक्रिएट किया है और एक और ख़ास बात इस पूरे प्रोग्राम के बारे में ओल्ड इज़ गोल्ड के बारे में ये कहना चाहूँगा कि भले ही गाने पुराने हैं लेकिन जो म्यूज़िक उसके ऊपर लगाई गई है वो एकदम न्यू एज म्यूज़िक है वो ऐसा म्यूज़िक है जो यंगस्टर्स को बहुत पसंद आएगा एंड उसके ऊपर थोड़ा सा डांस भी किया जा सकता है जैसे चौदहवीं का चांद जो गाना है लेकिन उसके ऊपर जो म्यूज़िक दिया गया है उसके ऊपर आप हल्का फुल्का एक डांस कर सकते जो आजकल का ट्रेंड चल जो ट्रेंड है सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट और जो चौदहवीं का चांद बहुत ही डिफ़िकल्ट सॉन्ग है और मतलब बहुत कम सिंगर्स को गा पाते हैं तो मैं बहुत खुश हूँ कि जो जितने भी मेरे साथ सिंगर्स जुड़े हैं चाहे वो न्यूकमर्स हों राहुल हो साहिल हो ये सारे बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं जो मतलब वन टेक आर्टिस्ट जिसको हम बोलते हैं इन्होंने इतने अच्छे तरीके से वो गाना गाया तो मैं चाहूँगा हम बैठे हैं और मैं चाहूँगा दो लाइनें तारिका का गाना बड़ी जल्दी आ रहा है ओल्ड इज गोल्ड में जो तुम्हारा गाना आने वाला है दो लाइनें आप प्लीज़ सुना दें बहुत
बहुत बहुत थैंक्स मीका जी को, वो हमें ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम उनके साथ उनके इस स्टेज पे आगे आ सकें एंड अपना टैलेंट दिखा सकें एंड लोगों को हमारी लाइक पीपल ऑब्वियसली वो हमें जानेंगे बिकॉज हम इस स्टेज पे आगे आएंगे. वी आर ऑल न्यू सिंगर्स एंड इन दिस मार्केट, सो इट्स ह्यूज थैंक्स टू हिम दैट ही इज टेकिंग दिस इनिशिएटिव. जी जी. नहीं एक्चुअली जैसे मैंने बहुत सारे रियलिटी शोज देखे हैं या जैसे मैं जब मैं यूएस शो करने जाता हूँ या कनाडा शो करने जाता हूँ तो वहाँ के जो ऑडियंस हैं उनको अभी भी वही पुराने गाने सुनना. जब भी हम शो करते हैं तो हम स्पेशली एक सेगमेंट रखते हैं जहाँ पे मैं किशोर कुमार जी के गाने गाता हूँ. इवन अगर आप सोनू जी के शोज़ देखेंगे, कुमार शानदा के शो देखेंगे, अलका जी के शो देखेंगे, श्रेया घोषाल के देखेंगे, सब जगह वो कहीं ना कहीं जाके लता जी का गाना ज़रूर ट्रिब्यूट करते हैं बिकॉज लोग सुनना पसंद करते हैं. सो मैंने भी वही सोचा कि क्यों ना जो आजकल की जनरेशन है, जैसे चौदहवीं का चांद जो मेरे एज के लोगों को बहुत 30+ के जितने भी लोगों उनको अच्छा लग गया, लेकिन जो टीनेजर हैं शायद उन्होंने गाना नहीं सुना होगा, तो लेकिन जब राहुल ने गाया तो बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स जा रहा है एंड आगे भी जाने दो ना दूंगी, बहुत अच्छा सॉन्ग है. ऐसे लता जी के, किशोरदा के, मोहम्मद रफ़ी साहब के मिक्स हम गाने सारे पुराने रिक्रिएट कर रहे हैं एंड थैंक्स टू सारेगामा जो HMV कंपनी है वो भी हमें बहुत सपोर्ट कर रही है. और हमारे बीच में साहिल हैं जो बहुत सारे रियलिटी शोज इन्होंने करे हैं ऑलरेडी, तो मैं चाहूँगा दो लाइनें आप सुना दो. जी जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अभी उनका ब्रेकअप हुआ था एक्चुअली, इसलिए अभी तक तो प्यार ही नहीं हुआ बेचारेगा, तो ब्रेकअप भी जल्दी हो जाएगा. और ये जो ऑलरेडी एक, हाँ मैं बताना चाहता हूँ, ये यश बडाली है जिनका ऑलरेडी किसको पता, राइट, दो तीन गाने इनके अभी आ चुके हैं. तीसरे ने इसको इनको बहुत इनके गाने रिलीज़ कर रहे हैं और 23 को भी हम इनका बहुत बड़ा गाना लॉन्च करने जा रहे हैं विद बहुत बड़े वीडियो के साथ. सो कोशिश यही है कि नए नए टैलेंट को आगे लेके आएँ. और सुरेंद्र खान जी बहुत ही अच्छे गज़ल गायक हैं, तो मैं चाहूँगा दो लाइनें आप प्लीज़ सुना दें. नहीं कोई बात नहीं, मत थैंक्स, आप मीडिया का मीडिया का थैंक्स. इतना अच्छा काम किया तो दो लाइन याद दिलाएं. मुझे मुकिर सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन. झिम गिर सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम लगी कैसी ये अगन. झिम गिर, क्या बात है. आजा सुनिए जिनका आज 3 दिन पहले हमने लॉन्च करा है एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है. और गुरदीप इज़ अ वेरी टैलेंटेड सिंगर एंड कंपोजर आल्सो. और जो हमारी म्यूजिक एंड साउंड कंपनी है उसके अंदर बहुत सारे कंपोजर, राइटर्स, मॉडल्स, सिंगर्स, हम सभी को जोड़ रहे हैं ताकि जहाँ से भी टैलेंट निकले हम उसको आगे प्रमोट करें. सो गुरदीप जी को आप पूछने से सॉरी. सबसे ज्यादा प्रेशर इस पे ही है इनके, इन पे किस, इन पे क्योंकि वही जैसे मैं और चाचा जी कभी रात को बैठ के बातें बातें करते हैं तो कभी कभार ये डिस्कशन चलती है कि जो न्यू कमर्स हैं उनको किसी बात की फिक्र नहीं है, टेंशन नहीं है कि हम ये करेंगे तो उसका क्या नतीजा होगा या इसका ये अंजाम होगा. तो मुझे कोई भी काम करने से पहले एक नहीं कम से कम 10 बार सोचना पड़ता है कि मैं अगर ये करता हूँ तो उसका जो डायरेक्ट सवाल होगा वो मुझसे नहीं होगा, वो चाचा जी से होगा, पिताजी से होगा. तो मेरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे होती हैं, मुझ पे होती हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं. पर प्लस भी ये है कि आपको, यू आर ब्लेस्ड
कि आपको ऐसी फैमिली मिली है, ऐसे अच्छे लोग मिले, और जितना कोशिश हो सके आप अपने काम में फोकस करें वो ज़्यादा बेटर है। और दूसरा, आजकल ऑडियंस भी चेंज होगी बहुत ज़्यादा। पहले ऑडियंस का ये था जब मेरे टाइम पे, जब मैं 98 में मेरा गाना आया था और दिलीप जी का पीक टाइम, मतलब आई थिंक सबसे बड़ा सुपरस्टार जो दिलीप जी पॉप इंडस्ट्री को लेके आए थे, तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा था कि कंपैरिजन था, ऐसा है वैसा है वैसा है। लेकिन आजकल थोड़ा सा ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट एंड बहुत स्मार्ट हो गई कि आजकल उनको सिर्फ कंटेंट चाहिए, नो मैटर सिंगर बहुत अच्छा गाता है या बहुत दूसरा गाता है या रैपर है या कंपोजर जो भी है, लेकिन वो कंटेंट दे रहा है तो वो चल जाता है। तो आजकल एक्सपोजर बढ़ गया है, आजकल बहुत सारे, अगर व्हाट्सएप पे ही आप गाना डाल दो, गाना अच्छा है तो वहाँ से ही गाना सुपर हिट हो सकता है। नहीं सिर्फ यूट्यूब नहीं है, दिस थैंक्स टू gaana.com, saavn.com, और भी डॉट कॉम के नाम बताओ भाई, hangama.com, तो सभी पे आपको पूरी डिजिटल में, आपको डिजिटल मार्केट में आपको हमारा ये गाना सुनाई देगा। और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे वीडियो नहीं पहुँच पाता या ऑडियो नहीं पहुँच पाता, तो हमारा टारगेट है कि हर तरह की ऑडियंस को हम गाना दें। क्या ऑडिशन में इनका, राहुल का और साहिल का तो ऑडिशन पूरी दुनिया ले चुकी यार। तो जैसे सॉरी, इनका दिल बहुत बड़ा है तो इनको ऑडिशन लेते नहीं, कोई भी आता है बोलता है चल ठीक है तेरा भी निकाल। अरे तो नहीं, तो नहीं, 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 ऐसी थिंकिंग आती है हमारे देश में होनी चाहिए, वरना लोग आते हैं और पहले ये दीजिए वो दीजिए स्ट्रगल कीजिए। हाँ, आप यू कैन आस्क एनीवन, मैंने इनसे, मैं फ्यूचर में पता नहीं कितना पैसा मैं करूँगा इनको चार्ज जरूर, पर अभी तक तो मैंने इनसे कोई किसी से भी कोई पैसा नहीं लिया, उनकी कोई नहीं ली। लेकिन टारगेट है कि चलो यार, बेसिकली हमारी अगर कंपनी ग्रो करेगी तो आर्टिस्ट ग्रो करेंगे, एंड ये सारे मेरे साथ काफ़ी सालों से जुड़े हैं। और मेरा यही था कि कोई ये ना बोल दे यार गुरदीप अपना भतीजा उसको ज़्यादा ये, बल्कि गुरदीप को सबसे देर में मैं लॉन्च कर रहा हूँ, बाकी सबको लॉन्च कर चुका हूँ, जो कि न्यू कमर्स हैं, पॉपुलर सिंगर्स भी हैं, जिनमें से दिलीप पाजी भी बहुत जल्दी गाना गाएंगे, रफ़ी साहब या लता जी का, हंस पाजी हैं, सरदूल पाजी हैं, मतलब पंजाब के तो जितने भी सिंगर्स हैं जिनको आपने कभी सुना नहीं कि हिंदी गाना गाते होंगे, तो वो भी इस ओल्ड इज गोल्ड में सारे, बाबुल सुप्रियो जी भी हैं। जी 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 राहुल जी, जी आप, क्योंकि हम तो आपके सारे गाने सुन चुके हैं, अगर हम रेस की भी बात करें तो रेस में भी आपने बहुत अच्छे गाने गाए, तो कुछ दो लाइन आप भी सुनाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को? मैंने ओल्ड इज गोल्ड पे चौधरी का चांद गाया था, तो आज जो बेसिकली हम ये आप प्रेस से जो आज बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम म्यूजिक साउंड को और आगे लेके जाना चाहते हैं। ओल्ड इज गोल्ड में इनका दूसरा गाना है अभी ना जाओ छोड़ के, जो अभी हम रिलीज करेंगे, मैं चाहूंगा दो लाइन यार आप वो भी सुना दो। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो बाहर बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर पी तो लूं नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, यही कहोगे तुम सदा, ये दिल अभी नहीं भरा। क्या बात है। एंड अकीदा के लिए मैं बोलूँगा, अकीदा का हाउस हाउसफुल 3 में गाना इनका बहुत बढ़िया था मेरे साथ, माला माल सोनी है। एंड अभी नेक्स्ट मंथ ही हम, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ हम इनका सिंगल भी रिलीज़ कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि दो लाइनें आप भी सुना दो। पूरन चंद जी वडाली, उनसे ये इन्होंने तालीम ली है और उन्होंने ही मेरे पास इनको भेजा कि इसका टेक केयर करो, तो ऐसा टेक केयर करते करते ये मेरे से भी ज़्यादा अभी अमीर होता जा रहा है। तो शंकी जी दो लाइनें आप। यश जी, अभी मेरा जो गाना आया टी सीरीज से, किसको पता, वो भी पाजी की वजह से ही है। मैं चाहता हूं पाजी को बोल रहा हूं कि मुझे भी ओल्ड इज गोल्ड में आना है, तो पता नहीं नेक्स्ट टाइम मुझे चांस देंगे। नहीं बिल्कुल देंगे, अब इसको ऑलरेडी दुनिया चांस दे रही, मैं क्या दूं यार। तो मैं चाहता हूं एक थोड़ा पंजाबी स्टाइल में आप गा दो बढ़िया सा, अपने गाने में प्रमोट करना आप। पापा इधर से सुना ना, रब बंदे दी जात को
कपड़े दी जात है रू कपड़े दे विच रू लुकया जीवे विच बंदे दे आपे बोले आपे बोले आप बुलावे वाह वाह ते आप करे हो तू माने या ना माने दिलदारा असा ते तेनो रब मने वाह तू अंदर जा जरा माने ना जाने कुछ तो शुभम अंदर जा ले जाएगा उठा कर क्या सॉरी एक बार जोरदार तालियां क्या बात गाने एक अलग चीज है उसके बाद गाने के बाद भी बहुत सारी चीजें मैंने सीखी है भाई से जो कि इंटरव्यू कैसे देते हैं तो सब कुछ थैंक्स बस बिल्कुल जी हाँ इनकी जो ग्रूमिंग है प्रॉपर वे में अगर आप देखेंगे राहुल अगर आप 2005 में देखेंगे इवन मुझे भी हम दोनों एक साथ ही ग्रूम कर रहे हैं तो राहुल का या इनकी स्टाइलिंग का आप देखेंगे तो हमारा सोच होती है कि परफॉर्मेंस से लेके स्टाइलिंग से लेके बोलने से लेके जो हमारे बच्चे बिल्कुल सब कुछ सीखे वो ना कि सिर्फ गाना गाना सबको आता है कहीं को बैठना नहीं आता बातें करने आती तो बहुत सारी चीज़ें जो सिंगर्स के बहुत देर बाद जाके समझ आती तो हमारे पहले डे से हमारी सोच है कि भाई जो भी हमारा सिंगर है आर्टिस्ट है उसको हर चीज़ पहले से ही पता हो कि क्या ऑडियंस को सुनना है ना कि सिर्फ वो पॉप गाए या सूफी गाए जो भी ऑडियंस की डिमांड है वो उसी तरीके से अपने आप को परफॉर्मेंस दे जी 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 मिक्स टेप भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एंड थैंक्स टू टी सीरीज एंड भूषण कुमार जी जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और भूषण जी को लेके काफ़ी लोग डबल माइंडेड रहते हैं बहुत सारे न्यू कमर्स या सिंगर्स स्पेशली जो पॉपुलर हो जाते हैं जो नए होते वो तो बेचारों पाँच होते रहते हैं उनके लेकिन मेरी सोच यही कि अगर आप गुलशन कुमार जी से लेके देखें तो हमेशा म्यूज़िक इंडस्ट्री को बहुत बड़ा सहयोग उन्होंने दिया है हमेशा लोग उनकी मतलब नेगेटिविटी में ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उन्होंने ऐसा करा या ऐसा करोगा अगर आप तीसरी को देखें आशिकी से लेके तभी कुमार शानू जी या उदित नारायण साहब सोनू निगम इन सबको लेके आने वाले तीसरी है और बहुत बड़े सिंगर्स को उन्होंने चांस दिया हिमेश रेशमिया देख लीजिए और तब से लेके अभी तक हमेशा तीसरी का यही हमें एक टारगेट रहता है कि कैसे वो म्यूज़िक को आगे लेके जाएं और हमेशा उनका म्यूज़िक पे ही एक फोकस रहता है कि अच्छा म्यूज़िक अच्छा म्यूज़िक सो मिक्स टेप भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे मैं पहली बार पंजाबी नहीं गाना चाह रहा था मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ बाकी आप बच्चों को गाना गाओ मैंने उनको बोला था पर उन्होंने बोला कि नहीं यार अगर आप आएंगे दिलीप पाजी आएंगे हंस पाजी आएंगे तो बहुत सारे सिंगर्स को एक एक्सपोजर मिलेगा तो मिक्स टेप बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे वो मैंने देखा कि नेहा कक्कड़ का भी मैंने देखा है गिप्पी गरेवाल का देखा है हार्डी संधू का भी देखा है हंस पाजी का नवराज का तो कमाल ही था सो कनिका कपूर और सुखी पाजी सो आई गेस बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वरना जैसे मेरा मन करता है सुखी पाजी के साथ गाने का तो शायद नहीं चांस मिलता लेकिन कनिका और सुखी एक साथ आए हैं सो दिस इज़ द न्यू कॉन्सेप्ट एंड मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करूँगा भूषण कुमार जी को एंड टी सीरीज को कि वो भी जिस तरीके से न्यू कमर को चांस देते हैं वैसे ही देते रहे सिंगर्स का भला होता रहे अब मेरे साथ कीर्ति भी बैठी है रिसेंटली इनका जोगी गाना हमने लॉन्च करा था एंड ओल्ड इज गोल्ड में अभी इनको भी हम बहुत जल्दी गाना गवाएंगे She's from Vancouver. So, I'd just like to give a big thank you to Amiga Paji for giving me this opportunity. From coming from Canada, it's a bit difficult to find people, so, and you meet a lot of people there, so thank you very much. And God bless you. So, ना के सिर्फ हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड से जहाँ भी हमें टैलेंट नज़र आता है, हम उनको अपने साथ जोड़ते जा रहे हैं, by hook or crook. So, I'm sure के आने वाले टाइम में, लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमें आपका चाहिए. और जो भी मेरे फैंस आप फेसबुक पे हमें देख रहे हैं आप हमें सपोर्ट करें हमारे आर्टिस्ट को सपोर्ट करें सिंग पंजाबी जोगी सिंग जोगी एंड मैं इनके लिए दो बातें बताना चाहूँगा कि हालांकि शी इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन वैंकूवर कनाडा और लेकिन उसके मतलब बोल नहीं पाती हिंदी ना पंजाबी पर जब गाने की बारी आती तो ऐसे गाती जैसे कि
पंजाब में पैदा हुई है। नी मैं जाना नी मैं जाना जोगी देना कन्नी मुंदरा पाके कन्नी मुंदरा पाके मथे तिलक लगा के नी मैं जाना जोगी देना नी मैं जाना जोगी देना। क्या बात है, मैं भी जोगी नहीं जाऊँ। थैंक यू मीडिया का, थैंक यू सो मच। और हम कोशिश करेंगे कि हर महीने आपको ऐसे ही दर्शन करते रहें। और मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया कि मैं कभी इंटरव्यू वगैरह करता नहीं हूँ, बट बिकॉज मेरे प्यारे प्यारे सिंगर्स बैठे हैं और दोस्त भी हैं मेरे ये, तो मैं चाहता था इनके साथ बैठ के एक नई शुरुआत जो है वो और हम आगे लेके जाएँ। उसके लिए सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा आपकी ही हमें ज़रूरत है कि आप हमारे आर्टिस्ट को प्रमोट कीजिए। आप मैंने इसको ऑफर दिया था पर ये बहुत चला गया, ये मेरे जाल में फंस नहीं रहा। मैंने इसको बोला कि मैं एक बहुत जल्दी मूवी बना रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने इनको सेकंड लीड की ऑफर भी की थी, पर ये भाग जाते हैं। नहीं, इनके ऑफर्स बहुत खतरनाक होते हैं एक्चुअली, बहुत इजी ऑफर्स नहीं होते, बट वी आर वर्किंग ऑन इट एंड होपफुली। बट सच कहूँ तो मैं गाना गा के बहुत खुश हूँ, एंड जैसे बाजी कह रहे थे आजकल एक्टर्स भी सिंगर्स बन रहे हैं, तो सिंगर्स भी एक्टर बने, बट आई थिंक एक्टिंग इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, तो जो लोग करते हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट है एंड हम गाना गा के बहुत खुश हैं। ऐसा क्या दिया सर आपने? नहीं, मैंने राहुल को तो देखो पहले प्रोड्यूसर थे जो कोई ऑफर लॉन्च करने का आप राहुल के देखो, राहुल के हेयर स्टाइल देखो, चश्मा देखो, शोज देखो, राहुल इतना बिजी है कि जितने भी न्यू कमर्स हैं उनके लिए एक अच्छी मिसाल बन गया कि नो मैटर कि आपको गाना हो या ना हो, डजंट मैटर, इफ़ यू आर ए गुड परफॉर्मर तो आप बहुत सारे शोज कर सकते हो। एंड मैं बहुत खुश हूँ इवन गुरदीप से कि गुरदीप बहुत शोज कर रहा है एंड इसकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है। इवन यश वडाली बहुत अच्छे शोज़ कर रहे हैं, राहुल जी राहुल खुद कर रहा है, एंड देन वी हैव साहिल, और फिर हमारे ये आने वाले बच्चे हैं ये भी बहुत आई एम श्योर के अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ये भी जल्दी अपना नाम कमाएंगे जी। तो आजकल ज़रूरी नहीं कि आपका गाना आना बहुत ज़रूरी, पहले एक ऐसा था कि गाना आना, आजकल यूट्यूब है, आजकल व्हाट्सअप है, आजकल सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप अच्छा परफॉर्मर हो, अच्छे सिंगर हो, तो काम की कोई कमी नहीं है। देखो यार, बिग बॉस मैं तो सलमान भाई के लिए देखता हूँ क्योंकि सलमान भाई इतने हैंडसम लगते हैं, तो फिर जब उनकी उनके साथ गुफ्तगु होती है तो मुझे और इन्जॉय में करता हूँ। बट माई फेवरेट वॉज एश कैश, ए कैश, ए कैश। तो ए कैश को मैं 1.5 साल पहले कहीं मिला था, पुणे में मिला था, मैं मेरे दोस्त है बाला, उनके बर्थडे पे वो मुझे मिला, तो मुझे तभी वो थोड़ा क्रैक सा लगा, लेकिन मुझे था कि ये कुछ करेगा ज़रूर। देन फिर जो उनका जो एक मिशन हुआ वहाँ पे उसका और पूजा का, डिंची पूजा, तो दोनों का जो रैप का मैंने इतना एंजॉय करा, एंड मैं डिंचक पूजा का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और ए कैश का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। क्यों नहीं करेंगे यार, वो तो मुझे लॉन्च कर दें जी, बहुत बड़ी बात। सो मैंने ये बोला कि आज की डेट में कंटेंट है, नो मैटर आप अच्छा या बुरा गाते हो, डजंट मैटर, आपको आप लोगों के दिल तक पहुँचने चाहिए, एंड आई थिंक ए कैश एंड डिंचक पूजा पहुँच गए। फिलहाल तो ये जो हमारा ओल्ड इज गोल्ड है, इसके हमने ऑलमोस्ट 40-50 वीडियोस हमने शूट करें, तो हर महीने में 2 वीडियो हम कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे हर हफ्ते में 1 वीडियो हम रिलीज़ करें। एंड देयर आर सिंगल्स, जैसे गुरदीप का सिंगल है, फिर अकीरा का सिंगल आ रहा है, साहिल का आ रहा है, कीर्ति का आ रहा है, तारिका का आ रहा है, सो सारे बैक टू बैक हम रिलीज़ करेंगे। थैंक यू जी। और गुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना टाइम दिया, थैंक यू भी तस्नीम के लिए एक बार जोरदार तालियां। सर आपके लिए चाय है, आप बिना चाय पिए आप जा नहीं सकते, वरना मैं कुंडी मारूंगा यहाँ पे। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.